हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। फाइनली मैं आपके नीचे एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही सारे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा नोकिया वाईफाई है तो उसमें हम अनलिमिटेड प्लान और जो कि ऐसे ही कोई एमबी वाला प्लान होता है तो हम कैसे अनलिमिटेड प्लान कर सकते हैं, इस पर एक आप डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए। तो मैं सोचा कि फ्रेंड्स इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बना देंगे तो आप सभी इनके जान जाएंगे कि हमारा वाईफाई का जो कि प्लान है वो अनलिमिटेड है कि जो कि एमबी वाला 7,05,000 इतना 100 इतना एमबी होता है तो वो एमबी है, तो क्या हमारा वो एमबी समाप्त हो जाएगा, तो क्या हम यानी कि और जो कि हमारा दिन भी बचा होगा जो कि अभी पैकेज एक मंथ का होगा तो अभी फिलहाल 25 दिन हो रहा होगा तो 5 दिन यानी कि खत्म हो जाएगा, क्या हमारा नेट नहीं चलेगा क्या, तो इस पर आप वीडियो बना दीजिए कि मैं जान जाऊंगा तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं अपने राउटर को यूज कर सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यही सोचकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपसे को मैं टोटल कॉन्फिडेंस के साथ जो कि बता दूँ कि वो अनलिमिटेड प्लान और एमबी वाला प्लान में क्या फर्क है। तो चलिए मैं आगे अपने मोबाइल सिम पर ले चल के आप सभी को दिखा दूंगा जो कि उसका सेल्फ केयर अकाउंट होता है उसमें खोलते हैं तो आपको बताता है कि अनलिमिटेड प्लान है कि ये क्या प्लान है, तो उसका मतलब क्या है और वो समाप्त होगा या नहीं होगा। चलिए मैं अपने ही जो कि राउटर का सेल्फ केयर खोलकर और आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो चलिए आगे मोबाइल पर बने रहिए और मैं एक एक स्टेप आप सभी को बता दे रहा हूँ कि वो अनलिमिटेड प्लान हमारा खत्म होगा या नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मोबाइल स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी अपने सेल्फ केयर अकाउंट होता है नोकिया राउटर का वो आप सबसे पहले यानी कि लॉगिन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए क्रोम ब्राउजर तो कोई भी ब्राउजर आप सभी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन करने के बाद सर्च और टाइप वेब एड्रेस में हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिबुसु सेल्फ केयर। जैसे ही फ्रेंड्स सिबुसु सेल्फ केयर यहाँ पर सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है सिबुसु सेल्फ केयर, इसी पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पर मांग रहा है लॉगिन यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड। आप लॉगिन में यूजर नेम में आपका यूजर नेम दे दीजिएगा और पासवर्ड में अपना पासवर्ड दे दीजिएगा और यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि हमारे डेस्कटॉप साइट आप 3 डॉट पर क्लिक करके कर लीजिएगा क्योंकि अच्छा दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर यूजर नेम दे रहा हूँ अपना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड और यहाँ पर उसका यूजर नेम डाल दिया हूँ और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सेफ केयर अकाउंट होता है वो लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, डायरेक्ट यानी कि माई सर्विस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी माई सर्विस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल ये प्लान चल रहा है हमारा, यहाँ पर प्लान नेम बता रहा है 15 Mbps और उसके बाद परचेज डेट बता रहा है एक्टिवेट डेट एक्सपायरिंग डेट और वैलिडिटी एक मंथ का है और यहाँ पर प्लान टाइप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्लान टाइप में ये अनलिमिटेड नहीं है, आप सीधा से देखिए आपका जो कि ये अनलिमिटेड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनलिमिटेड कैसे होता है बहुत ही जो कि मेरे भी प्लान में है जो कि मैं यहाँ पर बता दूंगा आप सभी को प्लान हिस्ट्री में क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 6,14,400 यानी कि बता रहा है यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर यूजर जो कि हमने इतना कर लिया है 1,20,611 यानी कि फ्रेंड्स अभी तक जो कि हम 1,20,000 ही यूज कर पाए हैं। और फ्रेंड्स बोलिए ना कि हमारा नेट क्या हो गया जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 अगस्त को यानी कि एक्टिवेट हुआ है और आज क्या है मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को, आज यानी कि 8 सितंबर है फ्रेंड्स। तो 8 सितंबर जो कि इतने दिन में जो कि हम अभी 1,20,000 जो कि यूज कर पाए हैं। और फ्रेंड्स आप यानी कि डाउनलोड करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा जो कि यहाँ पर घट जाएगा, तो फ्रेंड्स उस टाइम में लेना देना नहीं है। और रिमाइनिंग जो कि बता रहा है कि अभी फिलहाल हमारे पास इतना है 4,93,778 फिलहाल बता रहा है। तो फ्रेंड्स 6 लाख यहाँ पर बता रहा है और आप सभी को अनलिमिटेड बताएगा तो ऐसे ही बताएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा आप चिंता नहीं लीजिएगा, आप जितना भी यानी कि चला लेंगे तब भी जो कि ये डाटा जो कि समाप्त नहीं होगा। ये एमबी में बता रहे थे क्या हुआ मगर ये समाप्त नहीं होता है। मेरे ख्याल से लगता है कि हमारा मोबाइल का डाटा और इस डाटा में बहुत ही सारे अंतर है। तो चलिए फ्रेंड्स और मैं यहाँ पर प्लान हिस्ट्री में एक बार क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ कोई कोई हमारा प्लान हिस्ट्री जो कि अनलिमिटेड भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यही जो कि प्लान यहाँ पर आप सभी यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, प्लान टाइप प्लान वैल्यू अनलिमिटेड और यहाँ पर 6,14,400 जो कि यहाँ पर एमबी बता रहा है। और फ्रेंड्स ये देखिए 9 जुलाई यानी कि 2020 को जो कि एक्टिवेट किए हुए थे तो यहाँ पर अनलिमिटेड बता रहा है।
और उसके बाद 17 अप्रैल का है तो ये एमबी में बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मंथ का था ये भी तो 6,14,000 था, 6,14,000 था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2,72,000 जो कि यूज कर पाए है और इतना जो कि छूट गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हमारा यानी कि छूट जाता है और हम यूज भी नहीं कर पाते। आप सब यानी कि ध्यान से दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आप सबको यानी कि दिखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूज हम अभी तक इतना ही कर पाए हैं, मगर जो कि यहाँ पर देखिए कोई कोई प्लान है कि यहाँ पर एमबी वाला प्लान है 6,14,000, तो यूज हमने इतना ही किया है एक मंथ के अंदर में। तो देखिए आप सभी, ऐसा आप घबराइएगा नहीं कि मेरा अनलिमिटेड नहीं है, और देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड बहुत ही सारा प्लान बता रहा है। तो अनलिमिटेड है फ्रेंड्स कोई कोई, तब भी जो कि हम नहीं यूज कर पाए हैं। और यहाँ पर देखिए 8,19,000, 7,10,000 जो कि यूज कर पाए हैं, और यहाँ पर जो कि फ्रेंड्स कोई कोई अनलिमिटेड है, कोई कोई यानी कि बता रहा है एमबी वाला। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये क्या है कि आप सभी जो कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अनलिमिटेड प्लान और एमबी वाला प्लान जो कि कैसे बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 15 एमबीपीएस है तो अभी जो कि यहाँ पर अनलिमिटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर 30 एमबीपीएस है तो अभी यहाँ पर अनलिमिटेड लिखा हुआ है, 15 एमबीपीएस है तो अभी अनलिमिटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 30 एमबी है तो अभी जो कि यहाँ पर 8,19,000 बता रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप यानी कि चलाते रहिए 6,14,000 जो कि 15 एमबीपीएस में जो कि 6,14,000 जो कि बता रहा है, आप इनके ध्यान से कि हर एक में 6,14,000 बताएगा। यहाँ पर देखिए ये 12 एमबीपीएस है तो 6,14,000 बता रहा है, और नहीं तो सब में जो कि अनलिमिटेड बता रहा है। फ्रेंड्स और भी जो कि डाटा है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी जो कि जितना हमारा डाटा होगा ना वो पूरी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी चिंता नहीं लीजिए, आपसे यानी कि बोल रहे थे कि सर अनलिमिटेड प्लान और यानी कि एमबी वाला प्लान हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कोई भी फिक्स नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक से बन जाता है मेरे ख्याल से, और आपको क्या लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए यही आप सभी को मैं जानकारी देना था कि अनलिमिटेड प्लान और जो कि एमबी वाला प्लान में आप बिंदास होकर चलाइए, कोई भी आपका डाटा नहीं समाप्त हो, वाईफाई ऐसा है कि अनलिमिटेड चलता है। तो चलिए यही आप सभी को सिंपल जानकारी देना था, आप सभी इनकी पूछ रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप सभी इनकी जान गए होंगे कि अनलिमिटेड प्लान और एमबी वाला प्लान में जो कि क्या अंतर है। मैं उसमें टोटल आपके जो कि बता दिया कि फ्रेंड्स वो कुछ नहीं होता है, अनलिमिटेड प्लान होता है तो वहाँ पर लिखा होता है, और जो कि आपका एमबी वाला प्लान होगा तो एमबी लिखा होगा। तो आप फ्रेंड्स बेफिक्र होकर बिंदास होकर चलाइए अपने नेट, ऐसे जो कि आपका नेट नहीं हो रही आएगा, और वो मुझे लगता है कि जो कि हम सिम का जो कि डाटा यूज करते हैं तो उसका एमबी डाटा और उसका एमबी डाटा में फ़र्क होता है बहुत सारे। आप यानी कि चला कर देखिएगा, मैं उतना दिन भर चलाता हूँ नेट तो उतना ही जो कि एमबी कटा हुआ है, आप यानी कि देख लिए। तो फ्रेंड्स वैसे ही आप सभी यानी कि जाकर चेक करिएगा कि आप यानी कि दिन भर के बीच में कितना नेट चलाते हैं, वहाँ पर आप सभी को टोटल जानकारी मिल जाएगा और आप यानी कि जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ में चैनल संतोष पर होना ऑफिसर पर नए है तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जैसे मिल जाएगा और आप वो वीडियो को देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी वाईफाई रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, मोबाइल ऐप रिलेटेड कोई प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पेज में जरूर जाइए, वहाँ पे स्वाइपर का वीडियो बनकर रेडी है, वहाँ से आप सभी देखकर अपने मोबाइल राउटर अथवा यूट्यूब चैनल में कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज यार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड के साथ वीडियो बनाकर जल्द इसी चैनल से अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो को मैं लंबा न करते यही पिन करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।